हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन। आज हम बात करेंगे मोहित भट्टाचार्य की बुक न्यू होराइजंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और उसका चैप्टर 11 विच इज बेस्ड ऑन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस। वैसे हमने इसको पार्ट वन में काफी जो कॉन्सेप्ट थे वो देखे थे, पार्ट टू में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। जब हम बात रिलेशनशिप की करते हैं ना, तो माइंड में सबसे पहले यही चीज आती है कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और जब बात प्रॉब्लम की आती है तो हम देखेंगे कंपटीशन के बारे में, हम पढ़ेंगे इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कंफ्लिक्ट के बारे में। आपने कई बार सुना होगा खास करके अर्बन एरियाज में कि एक ही काम करने के लिए दो अलग अलग एजेंसीज हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से काम समय पे नहीं हो पाया और अल्टीमेटली पब्लिक को परेशानी झेलनी पड़ी। तो यहाँ पर एक टर्म आती है, आप उसको ना एक बार ठीक कर लीजिएगा, ये सेमी डिपार्टमेंटल नहीं है, ये सेमी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। सेमी इंडिपेंडेंट एजेंसीज क्या होती हैं? बेसिकली यहाँ पर उनको ना थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाती है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, काम करने के लिए उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, या बुक ये बताती है कि ऑटोनॉमस एजेंसी क्रिएट क्यों की जाती है। पहली बात तो ये कि जो ऑटोनॉमस एजेंसीज होती हैं, दीज एजेंसीज आर ऑफन क्रिएटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डीपॉलिटिसाइजेशन, विच मींस टेकिंग सर्टेन फंक्शंस आउट ऑफ पॉलिटिक्स। भाई कुछ चीजों पे ना हद से ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो, इसके लिए कुछ चीजों को आउट ऑफ द पॉलिटिक्स लेके जाया गया। और उसके बाद में कुछ डिपार्टमेंट ऐसे थे, अब नॉर्मली क्या होता है, डिपार्टमेंट का हेड जो पॉलिटिकल हेड होता है, कोई ना कोई मिनिस्टर है, डेफिनेटली एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसके हेड। अब उसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। और इसके लिए ताकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा ना हो, जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है वो काम कर पाए, अच्छे से काम कर पाए, इसीलिए उनको ऑटोनॉमस स्टेटस दिया गया। जो अजम्पशन है वो ये है कि ये जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली टेक्निकल इन नेचर एंड नीड मोर मैनेजेरियल अटेंशन देन पॉलिटिकल प्रेशर। ये ऐसे काम है जिनके ऊपर आपको टेक्निकली ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इनके ऊपर पॉलिटिकली ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पीटर शेल्फ दो तीन सजेशन देते हैं फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमी इंडिपेंडेंट एजेंसीज। जैसे फर्स्ट वो बताते हैं रीजन जो है सेमी इंडिपेंडेंट एजेंसीज के पीछे, वो था एल्ट्रिस्टिक रीजन। अब ये क्या होता है, ये ना बहुत ही पॉजिटिव सा कि भाई हमने तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सर्व करना है, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रमोट हो, इसलिए हमने कंट्रोल कम से कम करने की कोशिश की है, अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, एंड दैट इज वाई हमने ऑटोनोमस एजेंसीज इस्टेब्लिश की। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट रीजन इज द एल्ट्रिस्टिक रीजन। ठीक है, एंड ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज विल बी बेस्ट सर्व्ड बाय क्रिएटिंग एन ऑटोनॉमस एजेंसी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम फंक्शन। सेकंड है जुडिशियल रीजन। जुडिशियल रीजन ये कहते हैं कि कुछ फंक्शंस बिना किसी पार्शियल बिहेवियर के एडमिनिस्टर किए जाने चाहिए, एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से काम होना चाहिए, प्राइवेट इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करे, और इसीलिए ऑटोनॉमस एजेंसीज एस्टैब्लिश किए गए हैं। थर्ड आता है पर्सुएसिव रीजन, यानी कि गवर्नमेंट ये महसूस करती है कि अब हमें क्या करना है, लोगों का भला करना है, हमें कुछ इंटरेस्ट है उनको सर्व करना है, एंड अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो जो क्रिटिक्स हैं उनको थोड़ा सा मतलब शांत कर पाएंगे हम इन मेजर्स के द्वारा। तो ये तीन ऐसे मेथड्स हैं जो पीटर सेल्फ बताते हैं कि इन तीन रीजंस की मदद से, या तीन तीन रीजन की वजह से सेमी इंडिपेंडेंट एजेंसीज क्रिएट की जाती हैं। इसके अलावा देर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट रीजंस दैट प्रमोट या प्रॉम्प्ट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट सेमी इंडिपेंडेंट एजेंसी। जैसे बहुत सारे ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं दैट नीड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट, ओके, एंड एक और रीजन ये हो सकता है कि जो टेक्निकल और मैनेजरियल नेचर के काम है उनके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा उनको ऑटोनोमी दो काम करने के लिए, अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल करोगे तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं है
कि हमने उसको ऑटोनोमस कैटेगरी का स्टेटस दे दिया तो इसका मतलब उसको एक्चुअल में ऑटोनॉमी मिल गई? नहीं. द फॉर्मल स्टेटस एज एन ऑटोनोमस एजेंसी डज नॉट ऑलवेज इंश्योर एंजॉयमेंट ऑफ रियल ऑटोनॉमी. रियल ऑटोनॉमी में सिर्फ लीगल बैकिंग होने के अलावा और भी बहुत कुछ चीजें चाहिए होती हैं. ऑन पेपर ऑटोनॉमी बोल देने से कुछ नहीं होता. सो सर्टेन कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर एन एजेंसी कैन एस्पायर आफ्टर अ फेयरली ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस. आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वी कैन से कि हाँ, ये पर्टिकुलर एजेंसी जो है वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट है. अब वो है क्या, थोड़ी बहुत कंडीशंस देख लेते हैं विच नीड टू बी फुलफिल्ड. पहला तो यही है कि जो काम आप इंडिपेंडेंट एजेंसीज को दे रहे हो वो काम एक्चुअली डिटेचेबल होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने कहने को तो उनको ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया लेकिन अब आपके ऊपर वो फाइनेंस के लिए भी डिपेंडेंट हो गए, आपके ऊपर वो फाइल क्लियरेंस को लेकर के भी मतलब डिपेंडेंट हो गए. तो ऐसा काम दो जो आप हेडक्वार्टर से या जो मेन एजेंसी है उससे वो अलग हो सकता है, डिटेचेबल फ्रॉम द नॉर्मल डिपार्टमेंटल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. दूसरा, ऑटोनोमस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फाइनेंस. तो उनको ना खुद के वो अपने फाइनेंस जनरेट कर पाए ऐसे उनके पास कोई ना कोई सोर्स जरूर होना चाहिए. ठीक है. तीसरा है कि गवर्नमेंट मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट द ऑटोनोमस कैरेक्टर. मतलब खास करके आपकी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो ऑटोनोमस कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर पाए, रेडी टू एक्सेप्ट, वो बहुत जरूरी हो जाता है. और इसकी मदद से आप क्या कर पाओगे, नॉन इंटरफेरेंस की जो ट्रेडिशन है वो आप डेवलप कर पाओगे. ठीक है. जो मेजर पॉलिसी कंट्रोल्स हैं वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ही बताएगी आपको, बट बाकी जो डे टू डे वर्किंग के लिए उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े. मेजर पॉलिसी कंट्रोल्स गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए. एंड इसके अलावा जिस एजेंसी को आप सेमी इंडिपेंडेंट का टैग देने वाले हो, स्टेटस देने वाले हो, उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर. ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कंडीशन के तौर पे देख सकते हो कि एक्चुअल में अगर आपने सेमी ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमस स्टेटस किसी को देना है तो सिर्फ ऑन पेपर ही नहीं, रियल लाइफ में इस तरीके से काम होगा. कंपटीशन एंड कंफ्लिक्ट की बात कर लेते हैं. देखो, जब बात पब्लिक एजेंसीज की आती है ना, देन उनके बीच में अच्छे रिलेशन होने की बजाय वहां पर कंपटीशन ज्यादा है. वो कंपीट करते हैं ओवर फंक्शंस, क्लाइंट, एरिया, रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल पेट्रोनेज. जो फंक्शनल डुप्लीकेशन होता है ना, दैट इज मोर ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देन कट थ्रोट कंपटीशन. मतलब आपने कई बार देखा होगा कि सेम वर्क अलग अलग एजेंसीज परफॉर्म कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डुप्लीकेशन. और इसके रीजन क्या है, क्योंकि एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, है ना, जिसकी वजह से वो कंपीट कर रही हैं. कट थ्रोट नहीं है वहां पे, कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है. इसके ना कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे अगर आप देखें, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का एग्जाम्पल लें, एज इन द केस ऑफ बैंक लोन्स, अलग अलग बैंक लोन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, देन जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है दैट इज लेस देन ऑप्टिमम. रीजन बिंग कि बहुत सारे बैंक जो वो एक ही एरिया में काम कर रहे हैं, देन वहां पे वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होती है. अब यहाँ पे एक स्कीम का एग्जाम्पल है. मान लीजिए कोई स्कीम है फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है, फार्मर्स के लिए है. तो कई बार क्या होता है कि स्कीम्स के थ्रू सेम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को कई बार कवर कर लिया जाता है,
और कई ऐसे जिनको एक भी स्कीम का, किसी भी इनिशिएटिव का कोई फायदा नहीं मिल पाता। डुप्लीकेशन हो रहा है। हमने कहने को तो चला दीजिए 4 स्कीमें चला दी, फायदा तो उन्हीं 2 लोगों को हो रहा है ना हर स्कीम से, बाकी के तो बैठे हैं उनको तो कोई फायदा नहीं हो रहा, राइट? सो ये भी एक जो है इसका नेगेटिव पॉइंट उभर के आता है। ये कहते हैं कि एजेंसी में मैनी अ टाइम डुप्लीकेट देयर एफर्ट्स एंड कम्पीट फॉर क्लाइंटेल व्हेन दे सर्व द सेम पब्लिक। खास करके बैंक लोन का जब हम बात करते हैं तो सेम क्लाइंटेल को वो जो है सर्व करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर के लिए चलाई गई हैं। अब इनके ना, इन स्कीम्स के जो एडमिनिस्ट्रिंग डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग अलग हैं, तो ऐसे चांसेस हैं, इट इज नॉट रेयर। मतलब ये चीज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप देखने को मिलती, इट इज अ कॉमन फिनोमिना दैट सेम फार्मर्स आर बीइंग सर्व थ्रू अ वैरायटी ऑफ स्कीम्स वेयर इज मेनी अदर हैव ऑलमोस्ट रिसीव्ड नथिंग। कुछ तो ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अलग अलग बेनिफिट्स लेकर के बैठे हैं वो, और कुछ ऐसे जिनको कुछ नहीं मिला। तो ये क्या है, डुप्लीकेशन है। साथ ही साथ ये बहुत ही, मतलब यहाँ पे ना कॉन्शियस कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ पे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, ओके, वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रही है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और ये कंपटीशन एंड कंफ्लिक्ट होता, मतलब अगर आप इसको ट्रेस करने पे आ जाओ, यू कैन ट्रेस बेसिकली टू द वीकनेस एट द लेवल ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्रॉब्लम पॉलिसी फॉर्मुलेशन वाले लेवल पे ही है, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं फॉलो की गई और इंक्लूसिव अप्रोच नहीं फॉलो की गई है, ठीक है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नहीं है एजेंसीज के बीच में, और यही एक ऐसा फैक्टर है जो काम अच्छे से होना चाहिए, एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। कंफ्लिक्ट क्यों आते हैं? कंफ्लिक्ट का जो मेन रीजन अगर आप देख पाओ तो कंफ्लिक्ट हैव देयर ओरिजिन इन लैक ऑफ एग्रीमेंट ओवर डिजायरेबल कोर्स ऑफ एक्शन। भी काम क्या होना चाहिए, इसके ऊपर एग्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा। टू एजेंसीज मे फॉल आउट ऑन द इशू ऑफ व्हाट शुड बी डन इन अ सिचुएशन ऑफ कॉमन कंसर्न। दो अलग अलग एजेंसी अलग अलग तरीके से काम करती है, और ये चीज बहुत ही हाईलाइट होती है जब बात आती है नेचुरल डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में, ये बात जब आती है इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तब डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी एजेंसी का यहाँ पे फंक्शनल एरिया, मतलब किस एरिया की यहाँ, सॉरी, किस एजेंसी का एरिया है ये, कौन काम करेगा, फेयर किसका है ये वाला, राइट? तो इसके ऊपर कंफ्लिक्ट चलता रहता है, कंपटीशन चलता रहता है, और अल्टीमेटली नुकसान किसको होता है, पब्लिक को होता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्लिक्ट है दैट फॉर्म पार्ट ऑफ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इन गवर्नमेंट, और इसीलिए बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट किए गए हैं टू डील विद द कंफ्लिक्ट। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए, अगर दो इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया जाए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, देन कैबिनेट हो गया ना, ये क्या करते हैं बेसिकली इस तरीके से अरेंज किए गए हैं, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करते हैं कि कंफ्लिक्ट से डील किया जा सकता है। देन अनदर इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर मैनेजिंग इंटर एजेंसी कंफ्लिक्ट एट द सब स्टेट लेवल इज द क्रिएशन ऑफ पोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एट अप्रोप्रिएट पॉइंट इन स्पेस। भी ये एक, मान लीजिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है, ये एजेंसी ए है, ये एजेंसी बी है, और ये काम कर रही है रूरल एरिया में, ठीक है, ये रिपोर्ट करती है अपनी हायर अथॉरिटी को और ये रिपोर्ट करती है अपनी हायर अथॉरिटी को, लेकिन इन दोनों की जो हायर अथॉरिटी है वो सेम है, ये दोनों सेम अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगी। तो ऐसी पोजीशंस बनाई गई हैं जो कि एक इंटीग्रेशन पॉइंट की तरह काम करती है, ठीक है, ये इस तरीके से बनाई गई हैं जो जहां पर आ करके कंफ्लिक्ट कंपटीशन का थोड़ा सा यहाँ पर चांसेस होते हैं कि सॉल्व कर लिया जाए। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, पहला है डिविजनल कमिश्नर,
दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और सब डिविजनल ऑफिसर जो होते हैं। ये क्या काम करते हैं बेसिकली, दीज पोस्ट दीज अथॉरिटीज आर परफॉर्मिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड कंफ्लिक्ट रिजोल्व, दे हैव द कंफ्लिक्ट रिजोल्विंग रोल्स एट देयर रिस्पेक्टिव लेवल इन द फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो कंफ्लिक्ट रिजोल्व करने के लिए कमेटीज बनाएगी, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटीज बनाएगी, एडहॉक मीडिएशन किया गया, भी एकदम से कोई इशू आ गया और कोई आपने स्पेशल एजेंसी क्रिएट कर दी ताकि उनके बीच का कंफ्लिक्ट रिजोल्व हो सके। देन कोऑर्डिनेशन थ्रू जर्नलिस्ट पोजीशन, ये मेथड भी यूज किए जाते हैं इन गवर्नमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ना उसको बचा करके रखते हैं। ये फर्मली डील करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम की रूट है कहाँ, जड़ कहाँ पर है, ठीक है। और ये डील किया जाता है, आगे ध्यान रखा जाता है कि ऐसा अगर कोई इश्यू ना हो, इसके लिए पॉलिसी लेवल पे जाकर के काम करो। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो एजेंसीज है ना उनका क्लियर कट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, मल्टीप्लीकेशन ना हो, डुप्लीकेशन ना हो। पीटर सेल्फ कहते हैं कि अ बेसिक कॉज ऑफ इंटर एजेंसी कंफ्लिक्ट इज द फ्रीक्वेंट इनकंसिस्टेंसी और वेगनेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी गोल्स। मतलब आपने पब्लिक पॉलिसी गोल्स को अच्छे से डिफाइन नहीं किया, जिसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो पा रही है। पीटर सेल्फ कहते हैं कि पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी काफी सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। एक तो होता है कि आइडियोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है, आइडियोलॉजिकली इंड्यूस्ड कंसिस्टेंसी। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आइडियोलॉजिकल मीन्स कि विचार ही नहीं मिल रहे। जब गवर्नमेंट फैसले किसी बड़े फिलोसॉफिकल ग्राउंड के ऊपर लेती है ना, तो ये आइडियोलॉजिकल इंड्यूस्ड इनकंसिस्टेंसी आती है। जैसे इंडिया में प्रोहिबिशन पॉलिसी फॉलो की जाती है, लिकर प्रोहिबिशन पॉलिसी, ये फॉलो की जाती है ऑन सम एथिकल फिलोसॉफिकल ग्राउंड। इसका इंपैक्ट किस पे आता है, स्टेट के बजट पे, स्टेट एक्सचेकर पे, ठीक है। और अल्टीमेटली ये चीज आपको पॉलिसी में भी दिखाई देती है, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है उसके अंदर भी। अगर हम देखें कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एज सच उनके बारे में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादा ऐसे इश्यूज आते हैं। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल सपोर्ट की बात करें तो इनके ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च और स्टडीज नहीं हुई है, ठीक है। थ्योरेटिकल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपटीशन एंड कंफ्लिक्ट आर रियलिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, बट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना आर नॉट फुली डेवलप्ड। अब एक चीज और है कि आपकी कंट्री में किस तरीके का इंस्टीट्यूशनल पैटर्न है, ठीक है, उससे भी आपकी कंट्री में क्या होता है कि कंपटीशन एंड कंफ्लिक्ट का पता चलता है। जैसे यूएसए के अंदर, इंडिया के अंदर है ना, यूएसए में और इंडिया में गवर्नमेंट के कई लेवल हैं,
ठीक है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो वहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं एंड दैट वी कॉल इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अगर होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है उनके फंक्शंस ओवरलैप करेंगे। इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो नेचुरल है कि वहां पे कंपटीशन होगा, कंफ्लिक्ट होगा। इसके अलावा अगर आप यूनिटरी सिस्टम की बात करो, जहां पे गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा लेवल नहीं है जैसे ग्रेट ब्रिटेन में होता है, वहां पर यू कैन फील कि इतनी ज्यादा कंफ्लिक्ट और कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो यही अब बुक आपको बताना चाहती है। इसके अलावा आपके जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो कुछ इस तरीके से अरेंज किए जाते हैं जो आपकी कल्चरल वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। अमेरिकन सिस्टम को देखो आप, अमेरिका डाइवर्सिटी है अमेरिका के अंदर, तो उनके जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो वैरायटी एंड इनोवेशन को रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना। यहां पर ये माना जाता है कि जो कंपटीशन है, वहां पे कैपिटलिस्ट सिस्टम है, कैपिटलिज्म है, तो कंपटीशन को ये माना जाता है कि ये तो अच्छा है, मतलब इट्स अ नेशनल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ऑन दी अदर हैंड कंपटीशन को मिनिमाइज करने पे फोकस किया गया है, कंफ्लिक्ट को मिनिमाइज करने पे फोकस किया गया है। वहां पर हर कोई क्राउन की बात मानता है, तो कहीं ना कहीं यूनिटी आ जाती है, और जहां पर यूनिटी की बात आती है वहां पर धीरे धीरे फिर क्या होता है कि कंफ्लिक्ट इतने ज्यादा क्रिएट नहीं होते। अगर हम बात करें, दो थ्योरी और आती है यहाँ पे, अगर आप इस बुक को रीड करेंगे यू कैन अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज अगर लाइन टू लाइन पे आ गए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मतलब जो मेन पॉइंट है वो आपको बता रही हूँ। अगर आप ये लेक्चर सुनने के बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ऐसे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपको ये लगता है कि लेक्चर सुन लिया बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नहीं चलेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। दूसरी ये कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी मान लीजिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कोई लाइन समझ में नहीं आई, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉन्टेक्ट डिटेल आपके पास है, डायरेक्टली आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा रिप्लाई लेट मिले, बट टेलीग्राम ग्रुप में आप डायरेक्टली वहां पर डिस्कस भी कर सकते हो, वो एक डिस्कशन फोरम की तरह बनाया गया है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन जो भी हैं डायरेक्टली पोस्ट करें, आपको ऑन द स्पॉट या जब भी मैसेज सीन होगा आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा, होना चाहिए वो, मतलब स्टडी से रिलेटेड ही। वापिस से अपनी डिस्कशन पे आते हैं। वो कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंपटीशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ प्लुरलिज्म। प्लुरलिज्म क्या कहता है कि सोसाइटी में ना बहुत सारे लोग रहते हैं, डाइवर्स व्यूज हैं, डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे व्यूज हैं, और इन सबको अगर आपने अकोमोडेट करना है तो आप यहां पर कंपटीशन एंड कंफ्लिक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मतलब डाइवर्सिटी है, तो सोसाइटी में जब डाइवर्सिटी होती है हर एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी डिमांड कुछ अलग होगी, और उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं वो चीज फिर कंफ्लिक्ट के तौर पे उभरती है या कंपटीशन के तौर पे उभरती है। प्लुरलिज्म या प्लुरलिस्ट थ्योरी कहती है कि सोसाइटी इज अ हनीकॉम ऑफ इंटरेस्ट एंड ग्रुप दैट आर कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन कंपटीशन एंड कंफ्लिक्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है आपका, दैट हैज टू अकोमोडेट द वेरियस डिमांड्स ऑफ द सोशल ग्रुप एंड क्रिएशन ऑफ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज देयरफॉर रिफ्लेक्ट अ रैशनल रिस्पॉन्स टू द सोसाइटल डिमांड। ठीक है, तो सोसाइटी जैसा चाहती है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक और थ्योरी है जो बात करती है ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो ये कहती है कि एज सच है ना,
मतलब कंफ्लिक्ट इसकी वजह से नहीं होता, प्लुरलिस्ट एक्सप्लेनेशन के कॉन्ट्राडिक्ट करती है जो भी स्टेटमेंट थी प्लुरलिस्ट थ्योरी की, उसके अगेंस्ट ये बात करती है। ये थ्योरी कहती है कि जो अलग अलग डिमांड्स होती है ना सोसाइटी के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स हैं उनकी अलग अलग डिमांड है, तो जब आप वोट देते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट दिया, तो आपके डिमांड जो भी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर आर्बिट्रेरी रोल प्ले करती हैं और वो अपने मैनिफेस्टो के अंदर, अपने एजेंडा के अंदर अलग अलग डिमांड्स को सिंथेसाइज कर लेती हैं। ये मानते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इट प्रोड्यूसेस अ कोहेरेंट एंड कंसिस्टेंट प्रोग्राम टू बी इंप्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फिर डायरेक्टली आप कुछ नहीं कर रहे, आपने जाकर के किसको बोला, ये जनता है मान लीजिए, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो बीच में एक मीडिएटर की तरह आ जाते हैं आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटीज या पॉलिटिकल पार्टीज। वो आर्बिट्रेटिव या आर्बिट्रेरी सॉरी आर्बिट्रेरी रोल्स प्ले करते हैं, ओके। एंड जो सिंथेसाइजिंग कैपेसिटी है ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस दैट एक्ट्स एज अ बुलवर्क अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेगमेंटेशन एंड कॉम्पिटिशन। तो वो क्या करेंगे, अब आप इस चीज को दोबारा समझिए ध्यान से। मान लीजिए कि सोसाइटी में चार ग्रुप हैं, और इन चारों की जो डिमांड है वो अलग है। यहां पर इन चारों डिमांड को साथ में लेकर के जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन डिमांड को सिंथेसाइज कर लेगी, और ये चीज जब ये पावर में आएगी तो इसकी पॉलिसी में नजर आएगी। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज से अलग रखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस एज सच नहीं आएगा। यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आर्बिट्रेरी वर्ड मैं नहीं यूज करूंगी, आई एम सॉरी, मैंने अगर ये कहीं पे यूज भी किया है, आर्बिट्रेरी होता है मनमर्जी का कुछ, ठीक है, तो आर्बिट्रेरी नहीं आर्बिट्रेटिव वर्ड यूज होगा, आर्बिट्रेटिव रोल को यहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड सॉरी फॉर यूजिंग आर्बिट्रेरी वर्ड अगेन एंड अगेन, बिकॉज आर्बिट्रेरी का मीनिंग अलग होता है। इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है हम खत्म करते हैं यहीं पे। एज सच हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बट अब आप पे है, आप कैसे एनालाइज करते हो, कैसे चीजों को समझते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ओके। आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या आप हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के लिए आपके पास हमारी मेल आईडी है contactfreeupsc@gmail.com, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इस नंबर पे भी 9896859767, ओके। चलिए मिलते हैं कल सुबह नए लेक्चर सीरीज के साथ। हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली बाइट्स के नाम से, आपको डेली एक आर्टिकल मिलेगा, आपने रीड करना है, अप टू डेट होगा करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि हम करंट अफेयर ऐड नहीं कर पा रहे, और उसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है डेली बाइट्स करके, ये सुबह 8 बजे मिल जाएगा आपको। इसके लिए आप एक बार है ना अपनी कम्युनिटी टैब जो है चैनल की वो एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।